20 to 50 house plan, 4 bedroom house plan, 4 BHK house plan. Okay. Now start plan. तो इस प्लान में आउटसाइड वॉल और इनसाइड वॉल दोनों ही 5 इंच का हम यहाँ पर प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। यहाँ पर जो अभी देख रहे हैं आप, यहाँ पर हम ड्रॉ कर रहे हैं, तो यहाँ पर इंटरनल पार्टीशन वॉल 5 इंच का है, यहाँ पर भी पार्टीशन वॉल है तो 5 इंच का आएगा, इधर भी पार्टीशन वॉल, यहाँ पर भी 5 इंच आएगा, ठीक है। और आउटर वॉल जहाँ पर है, यहाँ पर हम वॉल के साथ साथ कुछ विंडो भी प्रोवाइड करेंगे, जिस विंडो को हम वेंटिलेशन या एयर वेंटिलेशन के लिए यूज़ करेंगे, ठीक है। यहाँ पर तो उसको कंप्लीट करने के बाद इस साइड का हम रखेंगे, देखिए ऐसे, यहाँ पर ऐसे रखेंगे, यहाँ पर इंटरनल पार्टीशन वॉल है। तो यहाँ पर हमने 4 बेडरूम का डिज़ाइन बनाया है, ठीक है, 4 बेडरूम। ओके, तो 4 बेडरूम कैसे डिज़ाइन बनाया है यहाँ पर हमने दिखाया है आपको। ये प्लान सिर्फ एक प्रपोजल प्लान है, आप इसको मॉडिफिकेशन कर सकते हैं, इस प्लान को आपको कुछ चेंज करने तक चेंज कर सकते हैं, इस प्लान के ऊपर आप कुछ भी ऐड कर सकते हैं, कुछ भी मॉडिफिकेशन कर सकते हैं, कुछ भी ऐड करके इसको चेंज कर सकते, ठीक है। यहाँ पर हम विंडो पोजीशन को ऐसे हाईलाइट कर देंगे, विंडो और वेंटिलेशन पोजीशन। ओके, तो आपको इस प्लान को धीरे से देखना है, क्योंकि प्लान आप एक ही बार बनाएंगे घर बनाने के लिए, ठीक है। ये 2-4 मिनट का बात नहीं है कि आप 2-4 मिनट में एक प्लान बना के आप एक घर बना के घर बना सकते, ऐसा नहीं है। घर बनाने के लिए आपको सोच समझ के प्लान, कुछ प्लान देख के उसके बाद आपको घर बनाना है, क्योंकि हो सकता है हमारा प्लान से भी बेटर प्लान आपको मिल सकता है, लेकिन आपको देखना होगा पहले कौन सा प्लान आपके लिए परफेक्ट है, कौन सा प्लान आपका जो ज़मीन है उसके लिए परफेक्ट है, उसके बाद आपका घर बनाइए, ठीक है। तो आपको क्या होगा, इससे आपका घर अच्छा होगा। आप देखिए इस प्लान को भी एक बार देखिए, आपको लगता है इस प्लान अच्छा है तो आप इसके हिसाब से घर बना सकते हैं, अगर आपको लगता है नहीं है, आपको और भी अच्छा प्लान चाहिए तो आप देख सकते हैं, प्लान को मॉडिफिकेशन कर सकते हैं, ठीक है। जो भी आपको लगता है मन में आप कर सकते हैं। इसके लिए हमने प्लान का पहले डिटेल्स आपके साथ शेयर करते हैं, क्योंकि डोर हो गया, विंडो हो गया, वॉल हो गया, उसके बाद हम जाएंगे इसका कॉलम पोजीशन। ओके, देखिए कॉलम पोजीशन, क्योंकि कॉलम ज़रूरी है घर बनाने के लिए। तो उसके बाद हम कॉलम पोजीशन क्यों सेट करेंगे, क्योंकि कॉलम चाहिए घर में, कॉलम हम प्रोवाइड नहीं करेंगे तो घर कैसे बनेगा, तो इसलिए हमने यहाँ पर कॉलम प्रोवाइड करेंगे। आपको अगर इधर भी कुछ मॉडिफिकेशन करना है तो आप कर सकते हैं, क्योंकि देखिए हो सकता है आपके पास नॉलेज ज़्यादा हो सकता है, इसलिए मैंने यहाँ पर बताया है। यहाँ पर आपका आएगा 20 फीट 0 इंच और इस साइड में आएगा 50 फीट 0 इंच। ओके, 20 फीट × 50 फीट इज इक्वल टू 1000 स्क्वायर फीट। ओके, इस प्लान में 1000 स्क्वायर फीट का रहेगा, ठीक है। तो स्टार्टिंग में यहाँ पर एंट्री, यहाँ पर गेट, इधर वेटिंग एरिया, स्टेयर अप 3 फीट वाइड एंड दिस साइड 3 फीट 1 इंच वाइड एंड दिस साइड 3 फीट वाइड। ओके, एंड टोटल दिस साइड लेंथ 8 फीट 9 इंच टोटल एंड इधर 19 फीट 5 इंच टोटल वाइड। ओके, इधर डोर। तो इसमें हम यहाँ पर एक बेडरूम प्रोवाइड करेंगे, जो बेडरूम है
फर्स्ट वन बेडरूम, यहाँ पर बैल्कोनी, बैल्कोनी यहाँ पर आप पोर्च का इस्तेमाल कर सकते हैं, यहाँ पर पोर्च आएगा आपका एक ऐसे, ओके आप पोर्च प्रोवाइड कर सकते हैं ऐसे, तो आपका घर का अच्छा सा एक लुक आएगा एलिवेशन में। तो यहाँ पर 4 फीट वाइड एक बैल्कोनी, इधर बेडरूम 10 फीट 0 इंच वाइड इस साइड, और एक साइड में 9 फीट 6 इंच वाइड। नेक्स्ट इधर और एक बेडरूम नंबर टू, इस साइड में 10 फीट 0 इंच और इस साइड में 9 फीट 6 इंच। ओके उसके बाद 4 फीट 1 इंच का इधर एक गैप, सॉरी 4 फीट 0 इंच, यहाँ पर डाइनिंग एरिया, तो 8 फीट 6 इंच और 8 फीट। यहाँ पर डोर किचन, तो इस घर में किचन का साइज थोड़ा सा छोटा हो गया है, तो आपको अगर थोड़ा सा बड़ा चाहिए तो आप कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद 5 फीट 10 इंच बाई 8 फीट, यहाँ पर बाथ एंड लैट्रिन कॉमन 4 फीट, इस साइड में 8 फीट हो गया। उसके बाद डोर 2 बेडरूम, तो और एक 2 बेडरूम है यहाँ पर नंबर 3, इस बेडरूम का 9 फीट 6 इंच वाइड आएगा और इस साइड में 12 फीट 0 इंच वाइड। ओके नेक्स्ट यहाँ पर बेडरूम, जो बेडरूम है 4, यहाँ पर आएगा 9 फीट 6 इंच, सॉरी 3 इंच, और इधर आएगा 12 फीट 0 इंच। ओके उसके बाद देखिए यहाँ पर डोर, यहाँ पर वॉश एरिया, अटैच टॉयलेट, ओके यहाँ पर टॉयलेट, तो टॉयलेट 6 फीट वाइड, यहाँ पर आप बाथ का भी पोजीशन प्रोवाइड कर सकते हैं, बाथ एंड लैट्रिन दोनों एक साथ, ठीक है, प्लस बाथ, यहाँ पर भी प्लस बाथ। यहाँ पर 4 फीट 6 इंच, यहाँ पर 6 फीट, ओके यहाँ पर 2 फीट 10 इंच, 3 फीट 1 इंच, ऐसे रहेगा एरिया। तो आउटसाइड में वॉल हमने 5 इंच प्रोवाइड किया है, और जो कॉलम आएगा आपका 10 इंच इंटू 12 इंच, जो नज़दीक है थोड़ा सा आपका डिस्टेंस कम है, तो वहाँ पर 10 इंच बाई 10 इंच का कॉलम आप प्रोवाइड कर दीजिए। ओके तो इसमें आपको क्या होगा, आपका कॉलम का पोजीशन भी बच जाएगा, ठीक है। तो देखिए 1000 स्क्वायर फीट इसका टोटल कॉस्ट आप 16 लाख प्लस कर सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर।